मनाली के डूंगरी गांव स्थित हिडिंबा मंदिर में भव्य देव मिलन के साथ ही डूंगरी मेले का आगाज हो गया है। इस मेले का आयोजन हिडिंबा देवी के जन्म दिवस पर होता है। इस मेले में देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। माता हिडिंबा से मिलने बंजार से देवता वीर कटोदकच भी पहुंचे। माँ बेटे का आध्यात्मिक मिलन देख लोग भाव विभोर हो गए। इस मेले को कुल्लू का मिनी दशहरा भी कहते हैं। आज से शुरू इस मेले में 15 से 16 देवी देवता भाग ले रहे हैं और लोगों को आशीष दे रहे हैं। माता हिडिंबा के पुजारी देवीचंद ने बताया कि हर साल मेले का आयोजन किया जाता है और 3 दिनों तक ये मेला चलता है। माता हिडिंबा के जन्मदिवस पर मेले का आयोजन होता है और इस मेले में घाटी के कई देवी देवता आते हैं और घाटी में सुख समृद्धि का वचन देते हैं। माता जी का ये जो जन्मदिवस मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, ये जेठ मास की संक्रांति को होता है माता जी का जन्म दिवस, और हर वर्ष 3 दिन का होता है। आज जैसे माता जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, कल छोटा मेला होता है और परसों क्या बोलते बड़ा मेला होता है, और इसमें घाटी के जितने भी देवी देवता है सब इसमें शिरकत करते हैं और अपना जो हाजिरी गुरुद्वारा, आपको पता है कि ये मंदिर जो हिडिंबा जी का मंदिर है इनको गुरुद्वारा भी कहा जाता है, तो यहाँ पे हाजिरी लगाते हैं तो ये मेला बनाया जाता है धूमधाम से कुछ तरह से। तो अभी आशंका तो 20 देवते की बोल रहे हैं कि 20 देवते आएंगे बड़े मेले को। स्थानीय निवासी पंकज ने बताया कि मेला देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं। उन्होंने कहा कि डूंगरी मेला देवी देवताओं के मिलन के साथ भाईचारे का भी प्रतीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए और बड़ी धूमधाम से यहाँ पे मेला मनाया जाता है और दूर दराज से यहाँ पे हमारे मेला देखने के लिए आते हैं लोग। पे जो पहला दिन होता है यहाँ पे, अभी आप देख सकते हैं शंकर नारायण जी है और सियाली महादेव है और खुद स्वयं माता हिडिंबा जी है, और उसके बाद जो है बहुत से लोग जैसे देवता आते हैं, उसमें आप लगभग रखिए 18 से 20 की संख्या में यहाँ पे देवी देवता आते हैं।